बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक बस पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 35 लोग घायल हो गए। इस बस में सवार सभी यात्री शादी के रिसेप्शन में शामिल होने इंदौर से छिंदवाड़ा के चांदामेटा जा रहे थे। पलटी हुई बस की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर से 35 किलोमीटर दूर सोहागपुर के लांगा बमौरी गांव की है। आज सुबह करीब 6:30 बजे इंदौर से चांदामेटा जा रही जनता सर्विस की बस उस वक्त पलट गई जब ये सामने आ रही एक इंडिका कार को साइड दे रही थी। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग जख्मी हो गए हैं जिनमें से 10 की हालत बेहद नाजुक है। इस बस में सवार सभी 55 लोग इंदौर से छिंदवाड़ा के चांदामेटा में वर्मा परिवार की शादी के रिसेप्शन में शामिल होने जा रहे थे। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 30-31 लोग घायल हैं। घायलों का उपचार यहां पे सिविल अस्पताल में नर्मदा अस्पताल के लिए भेजे गए हैं। बस ड्राइवर का कहना है कि सामने से आ रही इंडिका कार साइड ले लेती तो यह हादसा नहीं होता। फोर व्हीलर इंडिका आ रही थी सामने से, उसको साइड में देने के लिए अपन ने नीचे उतारी, उसके बाद भी नहीं दबाई गाड़ी और नीचे उतारने से अनबैलेंस हो गई बस। हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मृतकों के परिवार को 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, बस दुर्घटना होशंगाबाद जिले में हुई है। हमने तत्काल वो परिवार कि जिनके सदस्य इस दुर्घटना में अपने प्राण गंवा चुके हैं उन परिवारों की सहायता के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि देने का फैसला किया है। जो घायल हैं उनमें गंभीर घायल हैं उनको 50,000 रुपए की राशि, बाकी जो घायल हैं उनको 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी।